तो यहाँ पे छठवें श्लोक में बता रहे हैं कि वर्ष वानप्रस्थ के नियमों तथा ऋषि मुनियों के पद चिन्हों को अनुसरण करते हुए पृथ्वी महाराज ने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नियों का सेवन किया, वर्षा ऋतु में वर्षा की झड़ी में ही बाहर रहे, तो वर्षा होती तो वहीं पे खड़े रहते, वहीं तपस्या करते थे, और जाड़े की ऋतु में सर्दी में यहाँ तक पानी भर के रहते, और सोते समय कोई बिस्तर नहीं होता था, जमीन पे ही सोते। जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भक्ति योग को स्वीकार नहीं कर सकते ऐसे ज्ञानी तथा योगी इस प्रकार की तपस्याएं करते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं जिससे भौतिक कलमस से शुद्ध हो सके। पंच तपा से पांच प्रकार की अग्नि का बोध होता है। इस विधि में मनुष्य को अग्नि के व्रत के भीतर बैठना होता है जिसकी लपटें चारों ओर से निकलती थी। गर्मी में एक गोला में आग जला के उसके अंदर बैठते थे गर्मी, और सिर के ऊपर से सूर्य सीधे देखता रहता है। तपस्या के लिए निर्धारित पंचतपा में से यही प्रकार है। इस प्रकार वर्षा ऋतु मनुष्य को वर्षा की झड़ी में रहना होता है, और शीत ऋतु में सर्दी में गले तक ठंडे पानी में बैठना होता है। तो जहां तक बिस्तर का सवाल है, तपस्वी को भूमि पर लेटना होता है। ऐसी कठिन तपस्या का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का भक्त बनना है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया। ठीक है, तो ये सब कठिन तपस्याएं किसको करनी है? जो लोग भक्ति योग नहीं करना चाहते हैं बल्कि ज्ञान योग और अष्टांग योग करना चाहते हैं, वो लोग इसमें जाएंगे। भक्ति योग वालों को इतना कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तितिक्षुरियत वाग्दान्त उद्रेता जितानिलः आरिराधीषु कृष्णं चरत्तपोत्तमम्। तितिक्षु सहन करते हुए, यत वश में करते हुए, वाक शब्द दांत इंद्रियों को वश में करते हुए, ऊर्ध्वरेता वीर स्तन के बिना, जित अनिला प्राण वायु को जीतते हुए, आरिराधायिषु केवल इच्छा करते हुए, कृष्णम कृष्ण को अचरत अभ्यास तपा तपस्याम श्रेष्ठ, अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने, वीर स्खलित ना होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राण वायु को वश में करने के लिए महाराज ने ये सारी कठिन तपस्याएं, यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। सारी तपस्याएं किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य प्रयोजन नहीं था। कलयुग के लिए, कलयुग में इतनी कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कलयुग के लिए बृहद नारद पुराण में संस्कृति की गई है कि हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेवा गतिर अन्यथा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मान्य होने के लिए 24 घंटे भगवान का नाम जपने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश जो लोग इस बात को नहीं स्वीकार करते, वे किसी और प्रकार की तपस्या का आश्रय लिए बिना अन्य प्रकार का चिंतन पसंद करते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि परिशुद्ध होने के लिए या तो ऊपर वर्णित तपस्या कठिन को स्वीकार किया जाए, या फिर श्री कृष्ण करने के लिए भक्ति की जाए। तो शुद्ध होने के लिए दो ही रास्ते हैं, तो वो जो ऊपर बताया गया है वो कठिन तपस्या करे, या फिर भगवान के नाम का जप करे। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्त होता है वो अत्यंत बुद्धिमान होता है, क्योंकि कलयुग में ऐसी कठिन तपस्याएं कर पाना संभव नहीं है। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का अंतर करने की आवश्यकता है। स्वरचित शिक्षा स्तंभ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण के नाम की जय हो। प्रारंभ से हृदय को विशुद्ध करके तुरंत प्रदान करता है। भगवान के नाम का जप करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। छेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। यदि समस्त योगों का असली उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो इस युग के लिए संस्कृत यह सरल भक्ति योग पर्याप्त है। किंतु यह आवश्यक है कि भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहा जाए। यद्यपि पृथु महाराज ने अपना तप श्री कृष्ण के आविर्भाव के बहुत पहले किया था, किंतु इसका उद्देश्य को ही प्रसन्न करना था। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो ये दावा करते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा केवल 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई, जब भगवान कृष्ण भारत में प्रकट हुए, किंतु ये तथ्य नहीं है। पृथ्वी महाराज ने श्री कृष्ण की पूजा लाखों वर्षों पूर्व की, क्योंकि पृथ्वी महाराज ध्रुव के वंशज थे जिन्होंने सतयुग में 36,000 वर्षों में राज किया।
यदि ध्रुव महाराज 1 लाख वर्ष तक की आयु तक जीवित ना रहे हों, 36 वर्षों तक कैसे राज करते थे। बात तो यह है कि कृष्ण पूजा सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान थी और सत्ययुग त्रेता द्वापर युग में से होते हुए कलयुग में चल रही है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण केवल ब्रह्मा के इसी कल्प नहीं है, तो प्रत्येक कल्प में प्रकट होता। कृष्ण की पूजा प्रत्येक कल्प में की जाती है। ऐसा नहीं कि जब 5000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण प्रकट हुए तभी यह पूजा चालू हुई। ये मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष है जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि द्वापर युग जो अपना 5000 साल पहले निकला था अभी कृष्ण आए, उसके पहले कृष्ण नहीं थे। कैसा है क्या, कृष्ण तो हमेशा से हैं, नित्य हैं। और ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कलयुग तो फिर सतयुग, ये ऐसे साइकिल चलती रहती है। हर द्वापर युग में भगवान आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में भगवान जरूर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पृथ्वी महाराज ने, वैसे तो कृष्ण भगवान अभी 5000 साल पहले हुए, लेकिन लाखों साल पहले पृथ्वी महाराज को पता था कृष्ण के बारे में और वो कृष्ण की भक्ति करते थे। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति आराराध्युषा कृष्णम चरतपः उत्तमम् भी महत्वपूर्ण। कृष्ण पूजन के विशेष उद्देश्य के लिए महाराज ने अनेक प्रकार की कठिन तपस्याएं की। किंतु इस युग में श्री कृष्ण विशेष रूप से दयालु हैं, क्योंकि अपने दिव्य नाम के दिव्य उच्चारण से ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि नारद पंचरात्र में कहा गया, आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम। यदि कृष्ण की पूजा की जाए, यदि उन्नति के लक्ष्य वही है, अनेक प्रकार की कठोर तपस्याएं करने की आवश्यकता नहीं है, कि लक्ष्य पहले ही प्राप्त होता है। ठीक है, यदि सही प्रकार की तपस्याएं करके कोई कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाता तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ रहती है। बिना कृष्ण के सारी तपस्या व्यर्थ का श्रम एव ही केवलम। अतः मैं सोचकर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम जंगल का जाकर कठिन तपस्या नहीं कर पा रहे। हमारा जीवन अल्प है, पालन करना चाहिए और शांति पूर्वक कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। एक्चुअली में ऐसा है कि किसी को इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि भैया हम नहीं कर पा रहे हैं, जो भी तपस्या आदमी करे वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे। ठीक है, और कृष्ण की भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र से हो जाती है, इसलिए ज्यादा कठोर तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है। कृष्ण सिर्फ नाम जब से प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो कृष्ण की पूजा करना फिर तो सब सिद्धि हो गई ऐसे मान के चलना चाहिए। ठीक है, इसलिए सभी प्रकार की तपस्याएं करके कोई कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाता। भाई किसी ने बहुत तपस्या करी, कई तरह की तपस्याएं करी, जंगल में गया, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन अंत में उसको कृष्ण नहीं मिले, तो उसकी सारी तपस्या बेकार हो गई ना। इसलिए भागवत कहते श्रम ये भी केवलम, बेकार है। दुनिया में लोग पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लोग। कई लोग कहते हैं अपना कर्तव्य करना चाहिए, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो सब, उनको लगता है वो सब सही कर रहे हैं क्योंकि उनका ड्यूटी है, करना चाहिए। लेकिन ऐसा ड्यूटी जिससे कृष्ण नहीं हो रहे हैं वो सिर्फ बेकार है और कुछ नहीं। श्रम ये भी केवल केवल वो समय का वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है। अतः हमें सोचकर कभी ऐसे डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए कि हम जंगल में जाकर कि हम लोग तो भैया छोटे लोग हैं, हम कैसे जंगल में जाएंगे, हमसे तो तपस्या नहीं हो सकती। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, हमारा जीवन छोटा सा है, उम्र छोटी है, इसलिए जो हमारे पूर्ववर्ती पहले के आचार्यों ने जो हमें बता दिया है उसको हम आसानी से करें, बस इतने। कोई हताश होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, भगवान के भक्तों ने पहले हमें बता दिया क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है बस। तो जंगल में नहीं जा पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, घर में रहते हैं, ठीक, घर में रह के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और डेली कथा सुनिए और प्रसाद लीजिए, बस यही तो है भक्ति। कोई ये ना सोचे कि हम तो परिवार के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तो हम जंगल कैसे चले जाएं, ये कैसे कर लें, वो कैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं। घर में रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं, माला कीजिए, कथा सुनिए, प्रसाद पाइए, तीन काम नहीं कर सकते क्या? कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद, तीन चीजें अगर हैं तो हम भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए। नरोत्तम दास ठाकुर का तो कहना है, आनंदे गोलहरी भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजयमन,
दिव्य आनंदमय जीवन के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, पवित्र स्थान वृंदावन जाकर पूजा करो और सदैव भगवान गुरु तथा वैष्णवों की सेवा करो। अदा कृष्ण भावना आंदोलन अत्यंत सरल एवं निरापद है, हमें केवल भगवान के आदेशों का पालन एवं उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, बड़ा आसान है, खाली भगवान के नाम को जप करो, भगवान की शरण लो, बस। इससे हमें गुरु के आदेश का पालन होता है, कृष्ण का उपदेश देते हैं, इससे हमें गुरु के आदेश का पालन करना होता है। हमारे गुरु जो हमें आदेश थे वो करें, कृष्ण भक्ति का उपदेश देना होता है, करना होता है, गुरु के आदेशों का पालन करने तथा हरे कृष्ण का जप करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, भगवान में विश्वास रखना चाहिए और भक्ति करते रहना चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है प्रभु महाराज के बारे में यहाँ पे पता है। देन क्रमानुसार देना, सीधी बात है कि ज्यादा कठिन तपस्या करना और ये सब की जरूरत नहीं है, कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से काम हो जाएगा। आपको कहीं एक पैर पे जाके खड़े होने को नहीं बोला जा रहा है, ना आपको कहीं पानी में खड़े होने को बोल रहा है, ना आग में, आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। आप घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जहां रहते वहां रहो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और कथा सुनो, डेली डेली माला करना है, डेली कथा सुनना, और फिर जो भी लो प्रसाद दो, पास आसान है। देन क्रमानुसार देना ध्वस्त कर्म मलाशय प्राणायाम संनिरुद्ध षट वर्ग छिन्न बंधना। देन आठवां श्लोक, इस तरह तपस्या करने से क्रम क्रमशः अनुतेनंतर से देन ध्वस्त विनष्ट कर्म सकाम कर्म फल गंती वस्तु आशय इच्छा प्राण आयामयी प्राणायाम अभ्यास से सन्न होकर निरुद्ध रूपा वह षट वर्गा मंत्र इस प्रकार कठिन तपस्या करने से महाराज स्थिर और काम करने मुक्त हो गए। उन्होंने मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए प्राणायाम योग का भी अभ्यास किया, जिससे वे सकाम कर्म की इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति पा गए। ठीक है, पूर्ण रूप से उनकी मुक्ति हो गई है सकाम कर्म से। इस श्लोक में प्राणायाम ही शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हट योगी तथा अष्टांग योगी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, किंतु सामान्यतः वे इसके उद्देश्य को नहीं जानते। प्राणायाम का उद्देश्य मन तथा इंद्रियों को सकाम कर्म की ओर प्रवृत्त होने से रोकना है। पाश्चात्य देश यानी विदेश देशों में, पश्चिमी देशों में जो तथाकथित प्राणायाम योग करते हैं उसका ज्ञान नहीं होता। आजकल वैसे इंडिया में भी और सब जगह भी लोग योगा बहुत कर रहे हैं, किसी को योगा का मतलब किसी को नहीं मालूम। योगा माने सबको लगता है कि दो चार एक्सरसाइज कर लो, हाथ पैर इधर उधर फैला लो, बस वही योगा है। योगा माने हेल्थ अच्छी रहती, हेल्थ अच्छी रहने के लिए योगा कर सकते हैं। योगा का सीधा मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए। जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं समझ सकते हैं, योग हिंदी में सम करने को योग बोलते हैं, कनेक्ट करने को। योगा माने, योगा संस्कृत का शब्द है, कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं है। योगा माने कनेक्ट, जोड़ो। तो किसको जोड़ना है, तो हम अपने आप को भगवान से जोड़ने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको योगा कहते हैं। ठीक है, तो कई तरह के योग होते हैं, गीता बताया गया आपको, ज्ञान योग, कर्म योग, दर्शन योग और भक्ति योग। तो भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया गीता के अंदर, कि भाई भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो जो विदेश लोग हैं, पश्चिम देश लोग, उनको योग की ज्यादा जानकारी होती नहीं है और ना उन्हें कोई सिखाता है, तो प्राणायाम योगा आजकल लोग जानते नहीं है। ठीक है, कि ये भगवान से मिलने का तरीका। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर को बलवान तथा कठोर संतुलन बनाना नहीं है, इसका उद्देश्य को कृष्ण पूजा कर। लोग सोचते योगा करो, प्राणायाम करो, शरीर अच्छा रहेगा, खूब इंद्रिय भोग करेंगे, जबकि योग का मतलब है इंद्रिय भोग को कम करना, भगवान की सेवा में लगना, ये योग है। ठीक है, इसका योग का या प्राणायाम का उद्देश्य क्या है, कृष्ण की पूजा करना। पिछले श्लोक में इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि प्रभु महाराज जो भी तप प्राणायाम तथा योग करते थे उसका उद्देश्य श्री कृष्ण की पूजा था। अदा योगियों के लिए भी प्रभु महाराज का एक उत्तम उदाहरण का काम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने किया वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को प्रसन्न
करने के लिए किया था। ठीक है, तो जो भी करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना है। प्रभु महाराज बिल्कुल वही काम करते थे जिससे कृष्ण को प्रसन्नता। तो जो सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं उनके मन सदैव अपवित्र इच्छाओं से पूर्ण होते हैं। सकाम कर्म द्वारा हम अपनी दूषित इच्छाओं को प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रकट करते हैं। जब तक मनुष्य में दूषित इच्छाएं प्रबल रहती हैं उसे एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। तथाकथित योगी योग के असली उद्देश्य को समझे बिना अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। आजकल मॉडर्न जमाने में यही चल रहा है, कोई जानता नहीं है योग के बारे में पर अपने को स्वस्थ बनाने के लिए योगा करते रहते हैं। इस प्रकार वे सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं और इच्छाओं से बनकर उन्हें दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री कृष्ण को तक पहुंचना है। ऐसे योगियों को विभिन्न योग ऐसे योगियों को विभिन्न योनियों में विचरण करते रहने से बचाने के लिए शास्त्रों की चेतावनी है कि इस युग में योगा अभ्यास एक तरह से समय का अपव्यय है, यानी कि समय की बर्बादी है। अगर कोई सोच रहा है कि भाई बस योगा करके सब जीवन सफल बना लूंगा तो ये सिर्फ समय की बर्बादी है। ऊपर उठने का एकमात्र साधन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ एक ही साधन है कलयुग में। ज्यादा इसलिए एक्चुअली में ज्यादा टेंशन वाली बात है ही नहीं। जब हमें ये पता है कि सिर्फ एक साधन है और वो साधन भी पता है कि हरे कृष्णा, तो फिर बाकी चीज में कन्फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि हमको तो पता है कि एक ही साधन है हरे कृष्णा में, बाकी है ही नहीं। तो बाकी कोई कुछ भी साधन बताए हमें उसे मानना ही नहीं, कन्फ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, तो एक ही साधन क्या है? हरे कृष्णा। तो राजा प्रभु के कार्यकलाप सत्योग हुए थे कि तो आदमी के आत्मा योग अभ्यास समझ सकती है और इसका अभ्यास करने असमर्थ। फलता शास्त्र में कहना है कलौ नास्ते वा नास्ते वा नास्ते वा गति अन्यथा। निष्कर्ष ये निकला कि कलयुग में जब तक कर्मी ज्ञानी तथा योगी भगवान कृष्ण की भक्ति के पहुंच जाते तब तक उनके तथा कथित योग का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, नाराधिता, यदि हरि की पूजा नहीं की जाती तो ध्यान योग, अगर कोई व्यक्ति भगवान हरि की पूजा नहीं करता तो ध्यान योग कर्मयोग इत्यादि और कोई सब योग इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो, जहां तक प्राणायाम की बात है भगवान के नाम का कीर्तन तथा प्रेम विभोर होकर नाचना भी प्राणायाम माने जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर में सुबह सुबह लोग नाचते हैं, शाम को भी नाचते हैं, कम से कम आधा पौन घंटा हर दिन वो लोग नाचते हैं। तो कहते हैं कि वो भी प्राणायाम के जैसा ही है, वो नाचेगा सुबह आधा पौन घंटा, शाम को आधा पौन घंटा, तो उसका सारा एक्सरसाइज तो वैसे ही होगा। तो एक पिछले श्लोक में सनत कुमार ने महाराज को भगवान वासुदेव की सेवा में निरंतर रत रहने का आदेश दिया। यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितं उद्ग्रथयन् संता। केवल वासुदेव की पूजने से, केवल वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को पूजने से सकाम कर्म की इच्छा पूरा जा सकता है। वासुदेव की पूजा किए बिना योगियों तथा ज्ञानियों की ऐसी इच्छा मुक्ति नहीं मिल पाती। तो सबसे बड़ी बात क्या है? वासुदेव का पूजन करना। ठीक है, तद्वन्न रिक्त मतयो यद्योपि रुद्ध स्त्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। यहाँ पर प्राणायाम का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, वास्तविक उद्देश्य तो मन तथा इंद्रियों को प्रकट करना है जिससे उन्हें भक्ति की ओर प्रवृत्त किया जा सके। इस युग में यह संकल्प हरे कृष्ण नाम का कीर्तन मात्र करने से आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली जो है एक ही बात सामने आ रही है, वो है हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करना। कलयुग में और कोई दूसरा साधन नहीं है, और विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, और आज हम इतना ही करेंगे, नौवां दसवां श्लोक हम कल करेंगे। ठीक है, आज दूसरा क्लास है, एक अर्जेंट कुछ और तो उसकी वजह से आज हम 7 बजे तक नहीं करेंगे, कल हम पूरा 7 बजे तक करेंगे। आज हम यहीं पे बंद करेंगे। आपको कोई प्रश्न है तो हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, अभी 5-6 मिनट हैं, आप बता दें। अरे
ओके तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज तो गुरु पूर्णिमा था, आप लोगों ने अच्छे से मनाया होगा, बहुत बहुत बधाई आपको गुरु पूर्णिमा की। ठीक है, और तो हम लोगों ने भी यहाँ पे प्रोग्राम किया, सब लोगों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है क्या? जो लोग नए ज्वाइन किए हैं अगर उनका कोई प्रश्न है तो वो उनसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सुबह फिर से अनाउंसमेंट कर दें। मुझे सुबह भगवत गीता का क्लास चालू हुआ है, अंग्रेजी में है, आप लोग उसे सुन सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी हिंदी में नहीं है क्या क्लास भगवत गीता का? हरे कृष्णा। हिंदी में नहीं है प्रभु जी भगवत गीता क्लास? आपका आवाज। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु हिंदी में नहीं है प्रभु जी क्लास भगवत गीता का? प्रभु अभी तो अंग्रेजी में शुरू किया है, अभी आप हिंदी के भक्त ज्यादा हो जाएंगे तो हिंदी में भी शुरू कर लेंगे, समय भी थोड़ा निकालना पड़ेगा। आप अगर ऐसे भक्त हैं जो हिंदी में ज्यादा रिस्पॉन्स आए नहीं, ज्यादा अंग्रेजी वालों ने बोला तो फिर इंग्लिश में शुरू कर दी। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, थोड़ा कोशिश करें, हिंदी में है तो बहुत अच्छा रहता। भोजन पूछ रहे हाँ, अगर आधे आगे कोई भक्त लोग आएंगे इंग्लिश हिंदी वाले तो फिर कुछ भक्त आप बात कर लीजिए, कुछ भक्त तो हिंदी में हम शाम को कर सकते हैं दोपहर में आसान। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। बताइए प्रभु जी, वो भगवत क्लास जो 11 थे गीता का, वो तो हिंदी में हमें भी चाहिए था। अब हिंदी में तो अलग से करना पड़ेगा ना, अंग्रेजी में तो जो आगे प्रभु जी आगे काउंटिंग आ प्रभु जी काउंटिंग आ गया। मैं सुन रही थी। हाँ जी, वो सुबह भी मेरे मन में था लेकिन मैंने सोचा चलो भाई इंग्लिश में, अब थोड़ा इंग्लिश नहीं आती तो वो भी इम्प्रूव करेंगे। तो वो भी सुना था। अभी आप लोग आपस में बात कर लीजिए और कुछ लोग हो जाएंगे, अपना समय बता दीजिए और फिर मैं कुछ समय निकाल के हिंदी में कर सकते। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। आप ग्रुप में रिक्वेस्ट डाल दीजिए, कोई होंगे तो आपको रिप्लाई करेंगे, इस तरह से आप पूछिए। हरे कृष्ण। ओके प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, वही हिंदी में होनी चाहिए भगवद गीता ना, या तो आप इंग्लिश में ही ना हिंदी में एक्सप्लेन कर दे। अच्छा हिंदी में है, ठीक है, अभी तो ज्यादा लोग हिंदी में है। ठीक है, हिंदी में आप बात कीजिए और लोग होंगे तो हम कर देंगे ना। आपको टाइम बताइए मेरे से, आप व्हाट्सएप में बताइए इंग्लिश। अभी अभी तो आप बोल रहे हिंदी में, जब मैंने मैसेज ग्रुप में भेजा था तो किसी ने हिंदी के लिए रिप्लाई नहीं किया, अंग्रेजी में ही रिप्लाई आया था। तो आप लोग बताएंगे तो हम एक आध दिन बाद हिंदी में शुरू कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। सुबह का टाइम ही अच्छा है प्रभु जी, सुबह का टाइम ऑफिस से बिफोर अगर हुआ तो गीता पढ़ के तो अच्छा है, लेकिन हमको समय होना चाहिए ना। सुबह 7:30 से 7:30 तक तो 7:15 तक जपा है, फिर गुरु पूजा है, फिर क्लास गीता इंग्लिश, फिर एक घंटे ना, फिर 11 बजे से 1:30 बजे तक फिर मेरा क्लास है, फिर 2 बजे से है, तो ऐसे क्लास तो बहुत है, फिर भी समय निकालेंगे हिंदी के लिए। आप लोग बताइए जिनको हिंदी बहुत अच्छी। कैसा लॉग इन करना मुझे सुबह? लॉग इन ग्रुप में आएगा ना इंग्लिश का 7:30 का? क्या वो ग्रुप में आएगा ना प्रभु जी, जो इंग्लिश क्लास बोले आप 7:30 से, सेम ऐसी रहेगा ना? वो भी सेम ऐसी रहेगा हिंदी वाला? नहीं प्रभु जी, इंग्लिश वाला ही चाहिए, जब तक हिंदी स्टार्ट ना हो जब तक इंग्लिश ज्वाइन करेंगे। अगर इंग्लिश एक्चुअली इंग्लिश अगर आपको कंफर्टेबल तो इंग्लिश ज्वाइन कीजिए, और जब हिंदी शुरू हो जाएगा तो हिंदी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सेम ऐसी रहेगा ना लॉगिन? हिंदी में नहीं, इंग्लिश 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 में। मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हो। नहीं प्रभु जी, अभी जैसा लॉगिन करे ना, अभी जूम शाम में लॉगिन करे ना, तो सुबह का भी लॉगिन ऐसी रहेगा क्या बोल के बता रहा हूँ मैं। सुबह का मीटिंग आईडी दूसरा है गीता का, वो एक्चुअली में थोड़ा डिफरेंट, वो कोर्स है, ये तो कथा जैसे चलता है, वो कोर्स है, उसमें
क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे उसमें, सब रहेगा, तो फिर वो होमवर्क भी रहेगा, तो उसमें हाँ हाँ वो गीता है ना वो